ये छात्रों के हित के लिए किया गया है। जो महाराजा कॉलेज था उसमें बोल रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी में देंगे, तो अलग से बनाए ना, इसको विश्वविद्यालय के लिए घोषित किया गया, तो हम चाहते हैं ये विश्वविद्यालय ही रहे। अगर आपको अलग से कुछ करना है तो उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हुई थी आप उस पर कार्य करिए, और अगर ये हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम मौजूद है छतरपुर जिले के महाराजा कॉलेज के पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज चक्का जाम कर दिया है। उन लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है चक्का जाम करके कि छात्राओं की जो भी सुविधाएं हैं महाराजा कॉलेज में, जो भी पढ़ाई है वो टाइम से हो, और भी कई इन लोगों को ये मांगे हैं। इन लोगों ने आज यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है। आप देख रहे हैं कि आवागमन बिल्कुल से ठप हो गया था, और SDM ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों का आवेदन मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चक्का जाम है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। ये चक्का जाम पूर्व छात्र और अभी के वर्तमान छात्रों ने, जो कि महाराजा कॉलेज के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है और छात्रों से छीना जा रहा है, तो इस विषय में हमारे युवा साथियों ने और सभी ने मिलकर, कॉलेज के छात्रों ने मिलकर एक आंदोलन किया है और शासन प्रशासन से मांग की है कि इस विषय पर जल्द से जल्द गंभीर होकर शासन प्रशासन छात्रों की मांगों को पूरा करे। ये हमारा तो उग्र आंदोलन होगा। ये महाराजा कॉलेज का जो छत्रसाल यूनिवर्सिटी में वो हो रहा है सम्मिलियन हो रहा है, उसके अपोजिट में इन लोगों ने जो पूर्व वर्तमान छात्र हैं और पूर्व छात्र हैं, इन लोगों ने एक ज्ञापन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम अपने माध्यम शासन के पास आज ही भिजवाना पड़ेगा, तो हम लोग भिजवाते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।